মধ্যপ্রদেশের ছবি, মধ্যপ্রদেশে বিজেপি কার্যকর্তাদের আপনারা দেখছিলেন যে ছবিতে একেবারেই স্পষ্ট কার্যকর্তারা কতটা উৎফুল্লিত এই জয়ে, এবং 2024 লোকসভা নির্বাচনের আগে 23 এই 4 রাজ্যের 5 রাজ্যের নির্বাচন সেমিফাইনাল রূপে দেখেছে বিজেপি। আগামীকাল আরো একটি রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে, কিন্তু তার আগে আজকে যে 4 রাজ্যের ফলাফলে বিজেপি কিন্তু অনেকটাই মাইলেজ পেয়ে গেল। নতুন করে 2 রাজ্য তাদের ঝুলিতে চলে এলো, কংগ্রেস থেকে সে রাজ্যগুলো ছিনিয়ে তারা নিজেদের ঝুলিতে নিয়ে গেলেন। আমরা শুনব স্মৃতি ইরানি আজকের এই মেসিভ জয়ের পর, একটা দুর্ধর্ষ জয়ের পর, বিজেপির এই জয়ের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি কি বলছেন, তিনি উনার কি বক্তব্য, কিভাবে দেখলেন এই নির্বাচনকে, শুনুন। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की, मोदी की गारंटी जनता ने भी भरोसा दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा, आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। जिस तरह से मोदी जी पे कटाक्ष भी कर रही थी, मैं इतना ही कहूंगी, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है, और जनता ने उसी पर भरोसा कर कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत है। नरेंद्र मोदी